आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्री। हमने से पहले जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एरे पढ़ा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे को यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर भी बना, स्टैक भी बनाया, क्यू भी बनाया, लिंक्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए भी स्टैक और क्यू पढ़ा कैसे बनता है। अब जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है ट्री। ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ये हायरार्किकल फॉर्म में बनता है, लीनियर फॉर्म में नहीं बनता, यानी कि एक लाइन से इसमें नोड्स या ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट बेस ही करेंगे। लिंक्ड लिस्ट बेस इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है कि इसमें नोड्स ही बन रही होंगी, इसका साइज फिक्स नहीं होगा, रन टाइम पे आके इसमें ऐड हो सकती हैं, मल्टीपल डेटा टाइप को डील कर सकता होगा ट्री। पहले हम थोड़ा ट्री का थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ट्री की टर्मिनोलॉजीज हैं क्या। ट्री की टर्मिनोलॉजीज ये हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्री है, इसमें ये एक नोड है, ये इसकी लेफ्ट चाइल्ड, ये इसका राइट चाइल्ड, और हर नोड के पास उसका लेफ्ट और राइट है, और अगर नहीं है लेफ्ट और राइट, नीचे कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट और राइट पे उसके नल होगा। इम्प्लीमेंटेशन इसकी लिंक्ड लिस्ट के थ्रू होगी, इसका मतलब है कि एक नोड के पास दो पॉइंटर्स हैं। वो दो पॉइंटर्स क्या हैं कि एक ये नोड है, ये कोई डेटा स्टोर कर सकती है, जैसे लिंक्ड लिस्ट की नोड होती है, इसके पास एक पॉइंटर है लेफ्ट और एक राइट, जैसे हमने डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में देखा था प्रीवियस और नेक्स्ट। इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी इसकी देख लें कि पहली नोड हमेशा, जो फर्स्ट नोड है ट्री की, वो हमेशा कहलाती है रूट नोड। फर्स्ट नोड को, जैसे आपके पास लिंक्ड लिस्ट में पहली नोड हमेशा क्या कहलाती है, हेड नोड, रूट नोड। उसके बाद ये रूट की लेफ्ट चाइल्ड, ये रूट का राइट चाइल्ड, ये रूट के नीचे जितना भी ये ट्री है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, ये इसका राइट सब ट्री है। अगर मैं इसके नीचे देखूँ तो बी के लिए उसका लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है। ऐसी दो नोड जिनका पेरेंट सेम हो, ई और एफ का पेरेंट सेम नहीं है, अलग पेरेंट है, ई एफ का पेरेंट सी है, सी का पेरेंट ए है, ए रूट नोड है फर्स्ट नोड, डी और ई का पेरेंट सेम है बी, ऐसी दो नोड जिनका पेरेंट सेम हो उसे कहते हैं ये सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स वाली नोड है। ऐसी नोड जिनका कोई चाइल्ड ना हो वो क्या कहलाती है, लीफ नोड्स या एक्सटर्नल नोड्स। एच का कोई चाइल्ड नहीं है, एच जे के एल एम जी, इन सब का कोई मजीद नीचे चाइल्ड नहीं है, इनसे मजीद नीचे कोई लिंक नहीं जा रहा, इनके लेफ्ट और राइट पे नल है। हाँ, रन टाइम पे कोई और आके ऐड हो गया तो नल की जगह वो ओवरराइड हो जाएगा, फिर चाइल्ड आ जाएगा, फिर ये लीफ नोड नहीं रहेगी। ये तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे कैसे आके इसमें नोड ऐड होती हैं। एक ट्री में उसका पाथ, रूट या वे क्या होता है कि एक नोड से दूसरी नोड तक जाना। ए से जी तक का पाथ क्या है, ए से सी पे आएंगे और सी से जी पे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर की तमाम नोड्स कहलाती हैं इंसिस्टर्स, जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, अबाव अजदाद, पुरानी नोड्स, इंसिस्टर्स। नीचे वाली सारी नोड्स क्या कहलाती है, डिसेंडेंट्स। बी का इंसिस्टर है ए, बी के डिसेंडेंट्स हैं डी एच ई आई, ये सब नीचे जो नीचे की नोड्स के डिसेंडेंट्स हैं। ऐसी नोड जिसका कोई सिबलिंग ना हो, एच का कोई सिबलिंग नहीं है, डी से सिर्फ एक लिंक आके जा रहा है, ऐसी नोड जिसका कोई सिबलिंग ना हो वो कहलाती है ब्रांच नोड। अब ये एच इस वक्त ब्रांच भी है और इस वक्त लीफ भी है, आई का कोई सिबलिंग भी नहीं है, आई लेकिन लीफ नहीं है, इसके चाइल्ड है लेकिन आई एक ब्रांच भी है। ब्रांच नोड जिसका कोई वो सिबलिंग ना हो, वो अकेली ही हो, अकेला लिंक आ रहा हो पेरेंट्स से एक। लीफ नोड जिसका कोई चाइल्ड हो, सबसे आखिर की नोड। लीफ नोड और रूट नोड के बीच की तमाम नोड्स कहलाती हैं इंटरनल नोड्स। रूट और लीफ के बीच की तमाम नोड्स कहलाती हैं, अब एफ इंटरनल है, एल और एम इंटरनल नहीं है, क्योंकि एल और एम क्या हैं, लीफ नोड्स हैं, एक्सटर्नल नोड्स हैं। एच क्या है, दो नोड्स के बीच का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। ये ए और जी का भी कनेक्शन है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, सी के थ्रू आना है। जो डायरेक्ट कनेक्शन हो, बीच में ए की लिंक आ रहा हो, वो कहलाता है एज। दो नोड्स के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन एज। पाथ मैं बता चुकी हूँ, एज बता चुकी हूँ, सिबलिंग्स, लीफ, एक्सटर्नल नोड्स, इंटरनल नोड्स, डिसेंडेंट्स, एंसेस्टर्स। पेरेंट क्या है, ई का पेरेंट है बी, आई का पेरेंट है ई, ई का चाइल्ड है आई, ई के नीचे का सब ट्री क्या है, ई के नीचे लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री कोई नहीं है, एक चाइल्ड है क्योंकि यहाँ पे इस वक्त ई का दूसरा नहीं है। ये तो क्या है, कुछ ट्री की टर्मिनोलॉजीज के बोलते क्या है, इनको सिबलिंग क्या है, लीफ कैसे टर्मिनोलॉजी ना, ट्री बनता कैसे, वो भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका और देख लें ट्री का, कि एक ट्री हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। आप अगर प्रोग्राम लिखते हैं कि एक नोड तीन चाइल्ड ले सकती है तो वो तीन लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी, मतलब तीन लिंक ले सकती है। जैसे हम लिंक लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं, हमने डब्ल्यू से बनाया था तो हमने दो लिंक दे दिए थे, मैं किसी तीन लिंक भी दे सकती थी, उसमें तीन पॉइंटर्स भी दे सकती थी। अब यहाँ पे क्या किया, अगर मैं तीन पॉइंटर्स वाला बना रही हूँ तो वो या तो एक कनेक्शन आएगा जब तक दो या तीसरा नहीं आया हुआ, या दो आ जाएंगे या तीनों आ जाएंगे, सही है, या दो आया, अब यहाँ पे तीसरा कोई कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है तीसरा यहाँ पे क्या है, नल, नल को पॉइंट कर रहा है, अभी तक इस पे आके कोई अटैच नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक ही कनेक्शन है, दो नहीं आए हुए, इसके तीनों कनेक्शन आए हुए। ट्री में तीन है, चार हैं, दो हैं, एक है, फिक्स एक बार शुरू में आप देख लें कि क्या है, उसके बाद जितने कनेक्शन थे वो कर लें। एक जनरल ट्री में वो हायरार्किकल फॉर्म में, साइज ही फिक्स नहीं है, हायरार्किकल है तो फिर यकीनन ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री ट्री की एक स्पेशल टाइप है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में क्या है, मैक्सिमम दो चाइल्ड हो, ऐसा ना हो कि तीन हो। आप जब भी ट्री बना रहे हैं मैक्सिमम दो हो सकते हैं, हर नोड के दो,
हर नोड सिर्फ दो नोड्स को आगे पॉइंट कर सकती है, दो से ज़्यादा को नहीं कर सकती। हाँ, अगर जब तक एक आया तो एक को करती रहे, दूसरा नल रहेगा, जब तक कोई नहीं आया नीचे तो दोनों नल रहेंगे, सही है। तो मिनिमम जीरो कि कोई लिंक नहीं आया, मैक्सिमम टू चाइल्ड पॉसिबल है, वो कहलाता है बाइनरी ट्री। अच्छा, वैसे बाइनरी ट्री की एक और टाइप भी है जो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहरहाल स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री उसमें ये लाजमी है कि दो ही हो, उसमें जीरो या तो जीरो या दो, वन नहीं हो सकता, नीचे एक चाइल्ड नहीं हो सकता, या तो जीरो हो के कोई भी नहीं है या फिर दो पूरे हों, ऐसे एक नहीं हो सकता, वो है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहलाता है। वो इम्प्लीमेंटेशन में कंडीशन ऐसी लगा देते हैं। अच्छा जी, ट्री की स्पेशल टाइप होगी एक बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री भी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन है क्या, मैक्सिमम दो चाइल्ड पॉसिबल हैं। बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री की एक स्पेशल टाइप है, और बाइनरी सर्च ट्री भी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर ही है, स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा वर्जन, चूँकि अगर उसका अपडेटेड वर्जन आया तो उसमें कोई ना कोई बेहतर चीज़ होगी। इससे अपडेटेड क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ज़रा कम होगी। इसने बाइनरी ट्री ने क्या किया कि यार दो चाइल्ड हो ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए कम। आपको आगे आगे नोट ऐड, कोई साइज फिक्स तो है नहीं, आप ऐड तो कर सकते हैं, तो मैक्सिमम टू रखें लिंक्स ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। इसकी एक और स्पेशल टाइप है कि यार मैक्सिमम टू ही हो, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ट्री सॉर्टेड हो। सॉर्टेड होगा तो सर्चिंग वगैरह उसमें आसान हो जाएगी। वो ट्री बनता ही ऐसे, उसे हम इम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं कि वो सॉर्टेड हो। हम ये बाइनरी सर्च ट्री बनाकर भी देखेंगे अपने पास प्रोग्राम में, तो हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक सॉर्टेड भी है, हायरार्किकल भी है, स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है। फिर बाइनरी सर्च ट्री और मॉडिफाई हुआ, अपडेट हुआ, उसकी एक स्पेशल टाइप आई एवीएल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री की स्पेशल टाइप। अब अगर ये हायरार्किकल ही है, ये हायरार्किकल भी है, स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री भी है, ये सॉर्टेड भी है, चूंकि इसकी मॉडिफाइड वर्जन है तो इसकी सारी क्वालिटीज होंगी। एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है, ये ट्री बैलेंस है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐसा ना हो कि सारा ट्री लेफ्ट पे सिर्फ बनता जा रहा है या सारा ट्री राइट पे ही सिर्फ बनता जा रहा है, कुछ बैलेंस नोड्स आए कि दोनों साइड पे लिंक्स हों। वो भी कैसे होता है हम समझेंगे उसको भी। ये तो कुछ ट्री हो गया और ट्री की होगी टाइप से, तो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीज। ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है वो नॉन लीनियर ही है। बाइनरी ट्री में मैक्सिमम दो हैं, लेकिन बाइनरी ट्री सॉर्टेड नहीं होता। बाइनरी सर्च ट्री हायरार्किकल है, मैक्सिमम दो चाइल्ड पॉसिबल है, लेकिन वो सॉर्टेड भी है। एवियल ट्री बाइनरी सर्च ट्री की स्पेशल टाइप है, ट्री है तो यकीनन वो हायरार्किकल भी है, नॉन लीनियर है। स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री सॉर्टेड भी है और साथ में ये बैलेंस्ड भी है। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हो गया ट्री का। हम लोग अपने पास जो ट्री बना रहे हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री से। हम पूरा प्रोग्राम में बना कर देखेंगे इसका कोडिंग के थ्रू कि कैसे बनता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्री शायद आपको आउटपुट में बना हुआ दिख रहा होगा कि नोड जा रही हैं, एजेस जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम जो वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं वो सीक्वेंस में इनपुट हो रही होंगी, जिस तरीके से हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर में इनपुट होती हैं। पहले हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री।